हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पर ऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप घर पर प्योर ऑक्सीजन बना सकते हो, वो भी नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करके। यू कैन मेक ऑक्सीजन एट योर होम जस्ट बाय यूजिंग नॉर्मल टैप वाटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे पानी से ऑक्सीजन बनाया जाता है और आप भी इसे बना सकते हो। सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हेल्प मिलती है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। सो गाइस, पानी का मतलब H2O। इसका मतलब पानी में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। सो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग हम कर पाए तो हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। और पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के इलेक्ट्रिक प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में पानी में दो इलेक्ट्रोड्स डालने होते हैं, एक सॉल्वेंट डालना होता है और करंट हमें पास करना होता है उन दो इलेक्ट्रोड्स में से। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर कर सकते हो। आपको क्या क्या लगेगा, आप एक कोई भी कंटेनर लो प्लास्टिक या ग्लास का, दो स्टील के प्लेट्स ले सकते हो या सिंपल स्टील स्पून्स भी ले सकते हो, एक 9 वोल्ट की बैटरी और पानी। ध्यान रखना, ये मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस जो होती है दोस्तों, वो हाईली कम्बस्टेबल होती है, सो आपको इसमें ध्यान रखना है ये एक्सपेरिमेंट करते समय। कंटेनर में पानी डालो, अब दो स्पून्स इसमें प्लेस करो। बस मेक श्योर कि पानी में इन स्पून्स का कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए आपस में। अब इन दोनों स्पून्स को बैटरीज के टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। एक को कनेक्ट करो पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को कनेक्ट करो नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड स्पून पर आपको ऑक्सीजन के बबल्स दिखेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड स्पून पर आपको हाइड्रोजन के बबल्स दिखेंगे। हाइड्रोजन बबल्स की क्वांटिटी ऑक्सीजन बबल्स की क्वांटिटी से डबल होगी, बिकॉज एज आई फर्स्ट सेड, इसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक। सो गाइस, इस प्रोसेस में आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हो। दिस वीडियो इज फॉर सिंपल एक्सपेरिमेंटल पर्पस ओनली। अगर हमने पानी में कोई सॉल्वेंट मिलाया जैसे NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम एंड क्लोरीन भी सेपरेट होंगे और ये थोड़ा सा डेंजरस रहेगा क्योंकि क्लोरीन का इनहेलेशन हार्मफुल होता है। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स घर पर ट्राई मत करना। सो इन शॉर्ट दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस केस हमने H2O में से ऑक्सीजन को सेपरेट किया और हाइड्रोजन को भी सेपरेट किया। अगर आप इसे कलेक्ट कर पाते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण अगर आपने इसे किसी पॉलिथीन में या बलून में भर के रखा तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। सो गाइस, आई होप कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। वेल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।